हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 14 और 15 अक्टूबर को इन जिलों में होगी बारिश, बढ़ेगी ठंड। झारखंड के कई इलाकों में 14 और 15 नवम्बर को बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि आज 12 और कल 13 नवम्बर को मौसम शुष्क रहेगा। कई इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 14 और 15 नवम्बर को पूर्व सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला जिले में, तो वही राज्य के मध्य भाग में यानी कि रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़ में मेघा गर्जन के साथ जो है हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन बारिश होने की वजह से झारखंड में ठंड भी ज्यादा लगेगी। अगली बड़ी खबर की बात करो तो स्थापना दिवस पर कांग्रेस की बैठक आज। राज्य स्थापना दिवस को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज 12 नवम्बर को होगी। यह बैठक विधायक दल के नेता मंत्री आलमगीर आलम ने बुलाई है। बैठक 3 बजे से होगी। जानकारी के अनुसार बैठक में सरकार द्वारा मनाए जाने वाले स्थापना दिवस के बारे में अहम घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही पार्टी के सदस्यता अभियान एवं कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा महंगाई को लेकर चलाए जाने वाले जन जागरण अभियान पर चर्चा की जाएगी। बैठक में कांग्रेस के कोटे के सभी मंत्री, विधायक के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं अन्य जो है पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करो तो झारखंड में उदयगामी भगवान सूर्य को अर्घ के साथ महापर्व छठ संपन्न। उदयगामी भगवान सूर्य को अर्घ देने के साथ गुरुवार को छठ महापर्व संपन्न हो गया। 36 घंटे निर्जला उपवास करने वाले छठ व्रतियों ने सुख शांति की कामना के साथ भगवान सूर्य को अर्घ दिया। छठ घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। प्रशासन के द्वारा सड़कों से लेकर घाटों तक सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। व्रतियों ने प्रसाद ग्रहण कर छठ व्रत का पारण किया। इसके बाद श्रद्धालुओं बीच प्रसाद वितरण किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करो तो गुमला में कई पदों पर निकली वैकेंसी, नोटिस व जारी। झारखंड के गुमला में कई पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए केंद्रीय विद्यालय गुमला ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस भी जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार नोटिस को पढ़े और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करे। आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय गुमला में टीचर के पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 12वीं, बीएड, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट आदि निर्धारित किया गया है। केंद्रीय विद्यालय गुमला के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप gumla.kbs.ac.in पर जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2021 है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो राजधानी रांची में 4 कश्मीरी युवकों को स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा। पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगवाए नारे, FIR दर्ज। झारखंड की राजधानी रांची में एक शर्मनाक घटना घटी है। दरअसल यहां पर रह रहे कश्मीरी युवकों से कुछ स्थानीय लोगों ने मारपीट की है और उनसे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए हैं। हालांकि इस मामले पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस का इस मामले पर कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कश्मीरी युवकों के मुताबिक उनके साथ कुछ स्थानीय लोगों ने मारपीट कर शहर छोड़ जाने की धमकी दी है। मामले पर पीड़ित युवकों ने डोरंडा थाने में लिखित शिकायत की है। उन्होंने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि ठंड के मौसम में वे लोग कश्मीर से लाकर यहां पर ऊनी कपड़ा बेचते हैं और तकरीबन 20 सालों से यहां पर किराए के मकान में रहते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईस्कूल शिक्षक परीक्षा के उम्मीदवारों का अनूठा विरोध। सचिवालय के सामने किया छठ व्रत। झारखंड के 11 गैर अनुसूचित जिलों में हाई स्कूल शिक्षक परीक्षा के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति न मिलने पर अनूठे तरीके से विरोध जताया। रांची के प्रोजेक्ट भवन स्थित सचिवालय के सामने अभ्यर्थियों ने बुधवार और गुरुवार को सड़क पर छठ व्रत किया। उन्होंने सड़क के किनारे ही घाट सजाया और छठी मैया की पूजा अर्चना करते हुए सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी पिछले 14 दिनों से वहीं धरना दे रहे हैं। उन्होंने दिवाली भी यहीं मनाई थी। उनका कहना है कि सरकार जब तक उनकी नियुक्ति नहीं करती है आंदोलन जारी रहेगा। इन अभ्यर्थियों के समर्थन में उनके घर वाले और परिजन भी धरना स्थल पर जमे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करो तो रांची में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 100 के पार। रांची में कोरोना के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। ठीक होने वालों की तुलना में नए मरीज अधिक संख्या में मिल रहे हैं। राजधानी में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 100 को पार हो गया है। पिछले 24 घंटे में 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 11 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 99 से बढ़कर 103 हो गया है, जबकि 12 दिन पहले 29 अक्टूबर को रांची में मरीजों की संख्या महज 20 थी, लेकिन 12
12 दिन में 5 गुना बढ़ते हुए एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 100 से अधिक हो गया है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 15 नए मरीज मिले हैं, जबकि 19 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। जो नए 15 मरीज राज्य भर में मिले हैं वे सभी रांची जिले के हैं। अगली बड़ी खबर की बात करो तो सिविल कोर्ट वार्षिक अवकाश के बाद आज से खुलेगा। सिविल कोर्ट वार्षिक अवकाश के बाद आज शुक्रवार से खुल रहा है। वार्षिक अवकाश के दौरान सिर्फ जो है फौजदारी एवं जमानत एवं अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। वार्षिक अवकाश 12 अक्टूबर से 11 नवंबर तक रहा। हालांकि कोर्ट 16 नवंबर से ही पूरी तरह से काम करेगा। कारण 13 नवंबर दूसरा शनिवार होने के कारण सिविल कोर्ट बंद रहेगा। 14 नवंबर को रविवार पड़ रहा है। 15 नवंबर को बिरसा जयंती के साथ साथ राज्य का स्थापना दिवस होने के कारण अवकाश है। बता दें कि 16 नवंबर से मनी लॉन्ड्रिंग भ्रष्टाचार समेत सभी तरह के मुकदमे की सुनवाई प्रारंभ हो जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करो तो जेपीएससी में असफल छात्र 15 और 16 नवंबर को धरना देंगे। राज्य के 7वीं से 10वीं जेपीएससी में असफल छात्रों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। ये छात्र राज्य स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर को मोराबादी के बापू वाटिका के समक्ष और 16 नवंबर को जेपीएससी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। यह जानकारी बापू वाटिका के समक्ष अनशन पर बैठे छात्रों ने गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए दी है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि यह परीक्षा 19 सितंबर को कुल 252 पदों को लेकर हुई थी। उनकी मांग है कि जेपीएससी के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि एक ही कमरे में सीरियल में बैठने वाले छात्रों का पास होना अपने आप में अनियमितता की कहानी कह रही है। प्रखंड स्तर पर परीक्षा सेंटर बनाए जाने को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करो तो आज से चलेगी हटिया झारसुगुड़ा स्पेशल ट्रेन। रेल मंत्रालय ने 08175 और 08176 हटिया झारसुगुड़ा और झारसुगुड़ा हटिया स्पेशल ट्रेन का परिचालन करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत ट्रेन 08176 हटिया झारसुगुड़ा स्पेशल ट्रेन आज 12 नवंबर से प्रतिदिन हटिया से 12:50 पर प्रस्थान करेगी एवं झारसुगुड़ा रात 7:55 पर पहुंचेगी। वही ट्रेन संख्या 08176 झारसुगुड़ा हटिया स्पेशल ट्रेन 12 नवंबर से प्रतिदिन झारसुगुड़ा से सुबह जो है 8:25 पर प्रस्थान करेगी एवं हटिया दोपहर बाद 3:25 पर पहुंचेगी। अगली बड़ी खबर की बात करो तो सीसीएल में निकली है जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नौकरी। जाने क्या है जरूरी योग्यताएं। अगर आप सीसीएल यानी कि सेंट्रल कॉलफील्ड्स लिमिटेड में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। दरअसल कंपनी ने 177 जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को सीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट www.centralcoalfields.in पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन की आखिरी तारीख 26 नवंबर को रखा गया है। अगर आप इन पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल या संस्थान से आपका मैट्रिक पास होना जरूरी है। इसके साथ ही आपको किसी भी कंपनी से इन पद पर 3 साल का अनुभव होना जरूरी है। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और उनके कार्य की कुशलता को देखते हुए किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करो तो रिम्स की 6 नर्सों को नियमित करने का आदेश। सभी को 2014 से करना होगा नियमित, हाईकोर्ट ने कहा। जब नियुक्ति सही तो उन्हें सभी के समान अधिकार पाने का हक। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की 6 स्टाफ नर्सों को नियमित करने का आदेश दिया है। इन्हें वर्ष 2014 से नियमित करने का आदेश दिया गया है। अदालत ने कहा कि जब उनकी नियुक्ति सही है तो उन्हें सभी के समान अधिकार पाने का हक है, इसलिए उन्हें वर्ष 2014 से नियमित किया जाए, जबकि रिम्स ने उन्हें वर्ष 2018 से नियमित किया है। इसके अलावा अदालत ने उन्हें वर्ष 2003 से पीएफ और ग्रेच्युटी का लाभ देने का भी निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद कोर्ट का आदेश वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो नक्सलियों के नाम पर रंगदारी वसूलने वाला अपराधी एमजीएम अस्पताल से फरार। पुलिस की लापरवाही के कारण घटी घटना। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती वरुण महतो नामक बंदी भाग निकला है। सरायकेला पुलिस ने उसे नक्सली के नाम पर लेवी वसूलने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती किया गया था। उसके फरार हो जाने से जेल प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। फरार कैदी चाईबासा जिले के सोनवा का रहने वाला बताया जा रहा है। वैसे उसका मूल निवास स्थान सरायकेला है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो जनगणना प्रपत्र में सरना आदिवासी धर्मकोड की मांग पर जुटे हजारों लोग, दिल्ली करेंगे कूच। भारत की जनगणना के फॉर्म में सरना आदिवासी धर्मावलंबियों के लिए अलग धर्मकोड की मांग पर झारखंड में गोलबंदी तेज हो रही है। गुरुवार
को रांची के हरमू देसावली में सरना धर्मलंबियों के इस मुद्दे पर एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया और केंद्र सरकार से इस पर जल्द निर्णय लेने की गुहार लगाई गई। सम्मेलन में जुटे हजारों लोगों ने एक स्वर से प्रस्ताव पारित किया है कि अगर इस महीने केंद्र सरकार की ओर से सकारात्मक फैसला नहीं हुआ तो आगामी 6-7 दिसंबर को सरना आदिवासी समाज के लोग दिल्ली पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 20 सड़कों को मिली स्वीकृति, 1500 करोड़ रुपए होंगे खर्च। राज्य के इन प्रमुख सड़कों को मिली हरी झंडी। पथ निर्माण विभाग में राज्य के अलग अलग जिलों के 20 सड़कों को स्वीकृति मिल गई है। इससे पहले राज्य के 68 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी। इस तरह से इस साल 88 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा विभाग ने इंटरनेशनल JSCA स्टेडियम धुरवा स्थित सड़कों को दुरुस्त करने का निर्णय लिया है। स्टेडियम के नॉर्थ, साउथ और वेस्ट गेट व जगन्नाथ मैदान से धुरवा गोल चक्कर तक सड़कों की क्वालिटी में सुधार किया जाएगा। इसके तहत तकरीबन 1500 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हुई है। साहिबगंज के बोरियो, राजमहल पथ, रेहला, गढ़वा, रंका, गौतरमाना पथ, मंझगावा, सुंडीपुरा पथ, रांची से 10 माइल चुकरू कुजराम पथ, दुमका का रामगढ़ हंसडीहा पथ, मंझगांव जेतगढ़ नोवा मुंडी पथ। अगली बड़ी खबर की बात को दो, अतिक्रमण और अवैध जमाबंदी पर उपायुक्त ने रिपोर्ट मांगी। रांची जिले में गैरमजरूआ जमीन पर अतिक्रमण की रिपोर्ट उपायुक्त ने मांगी है। साथ ही अवैध जमाबंदी रद्द करने के लिए लंबित आवेदनों पर भी रिपोर्ट मांगी गई है। सभी अंचल अधिकारियों को 2 दिन में रिपोर्ट पेश कर यह बताने को कहा गया है कि उन्होंने अपने अंचल में लंबित मामलों का कितना जो है निष्पादन किया है। पिछले दिनों उपायुक्त ने इस मामले की समीक्षा की थी और अवैध जमाबंदी के मामले में विभागों के आदेश के आलोक में कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। अगली बड़ी खबर की बात करो तो झारखंड केडर के SN प्रधान बने NCB के निदेशक। झारखंड केडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी SN प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का निदेशक बनाया गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात SN प्रधान को राकेश आस्थाना के दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाए जाने के बाद NCB का प्रभारी निदेशक बनाया गया था। अब उन्हें 31 अगस्त 2024 तक के लिए NCB का नियमित निदेशक बनाया गया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद से SN प्रधान NDRF के DG के पद पर तैनात थे। NDRF के DG का प्रभार उनसे लेकर गुजरात केडर के IPS अधिकारी अतुल जोहकरवाल को दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करो तो पोटका के बागो गांव में डायरिया का कहर, मरीजों का सरकारी विद्यालय में कैंप लगा कर किया जा रहा है इलाज। झारखंड के पूर्व सिंहभूम जिले के पोटका के धरोल पंचायत के बागो गांव में डायरिया का कहर जारी है। पिछले 3 दिनों में 50 लोग डायरिया की चपेट में आ चुके हैं, जिनका उत्क्रमित मध्य विद्यालय बागो एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोटका तथा TMH में इलाज चल रहा है। वहीं 2 दर्जन से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। गुरुवार को 11 ताजा डायरिया संक्रमित पाए गए हैं, जिनका उत्क्रमित मध्य विद्यालय बागों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर रजनी महाकुड एवं डॉक्टर अनूप मंडल के द्वारा इलाज किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करो, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिया अर्घ। सिद्धगोड़ा के सूर्य मंदिर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सपरिवार अर्घ दिया। इस अवसर पर वहां लोग की काफी संख्या में भीड़ थी। सूर्य मंदिर परिसर में उदयमान भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए तड़ाके से लोग एकत्रित थे। हर वर्ष यही जो है रघुवर दास अर्घ देते हैं। सूर्य मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अगली बड़ी खबर की बात करो, सरायकेला में छठ घाट पर चले बम फायरिंग भी, बाल बाल बचे स्क्रैप कारोबारी, CCTV में कैद हुई वारदात। झारखंड के सरायकेला में उदयमान सूर्य को अर्घ देने छठ घाट पहुंचे स्क्रैप कारोबारी पर जानलेवा हमला किया गया है। बदमाशों ने उनकी कार के पास एक के बाद एक 3 जो है बम फेंके और गोलियां भी चलाई। हालांकि कारोबारी सुरक्षित बच निकले। गुरुवार तड़ाके हुई घटना से घाट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के बाल्डी छठ घाट पर सपरिवार अर्घ देने पहुंचे स्क्रैप कारोबारी विक्की नंदी की कार के पास एक के बाद एक 3 जो धमाके किए गए और गोली भी चलाई गई। वैसे इसे जो है छठी मैया की कृपा कह सकते हैं कि इस घटना में विक्की नंदी बाल बाल बच गए। अगली बड़ी खबर की बात करो, भारत भ्रमण पर निकली विजय ज्योति, पहुंची रांची। दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन में सेना के जवानों ने किया स्वागत। भारत पाक युद्ध 1971 की याद में 16 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के नेशनल वार मेमोरियल
से विजय ज्योति भारत भ्रमण के लिए रवाना किया था। वह कल जो है रांची पहुंची। भारत पाक युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने पर इस जो है विक्ट्री फ्लेम को रवाना किया गया है। यह विक्ट्री फ्लेम जमशेदपुर से रांची पहुंची, 7 नवंबर को जमशेदपुर पहुंची थी। 3 दिन तक जमशेदपुर शहर में इसका उत्सव मनाया गया। इसे सेना के जवानों ने गुरुवार को रांची रवाना किया। रांची आने पर विक्ट्री फ्लेम को सेना के जवानों ने स्वागत किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में अंजुमन इस्लामिया के चुनाव पर रोक, चुनाव प्रक्रिया के नियमों के उल्लंघन की शिकायत पर जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश, मजिस्ट्रेट करेंगे जांच। रांची में चल रहे अंजुमन इस्लामिया के चुनाव पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन को इस संबंध में अनियमितता की शिकायत मिली थी। इसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया और यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। जिला प्रशासन की ओर से पूरे मामले की जांच के लिए मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। उप समाहर्ता भूमि सुधार व अंचल अधिकारी चानो को इस मामले से संबंधित वस्तु स्थिति की जांच कर एक जो है सुस्पष्ट जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में याद किए गए भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेसियों ने मनाई जयंती। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जिला कांग्रेस कार्यालय के अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष जाहिर अंसारी की अध्यक्षता में देश की महान स्वतंत्रता सेनानी भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भारत रत्न मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी की जयंती के अवसर पर गोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि शमशेर आलम मुख्य रूप से मौजूद थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।